हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल, माय चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है लुकबुक पे। जी हाँ, वेडिंग सीजन आ गई है और लुकबुक ना शेयर करे तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा मतलब कि एक लुकबुक तो बनता है वेडिंग सीजन में। आई नो कि अभी ये कंडीशन थोड़ी ऐसी है, लेकिन फिर भी वेडिंग्स तो है ही, आप देख ही रहे हो। तो अगर आपके घर में भी वेडिंग्स है तो ये वाला लुकबुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेकारक होने वाला है, क्योंकि ये वाले लुकबुक में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी बनारसी सिल्क साड़ी, साथ ही में ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, कैसे आप उसको स्टाइल कर सकते हो घर पे ही। अगर आप अभी की कंडीशन को देखते हुए या अभी जो है वो सबके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही खराब चल रही है, तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाते पार्लर या सलून, तो मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे ही आप स्टाइल अप कर सकते हो अगर आपके घर में वेडिंग्स वगैरह है तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये सारों की बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप वहां जाके बाय कर सकते हो। इवन आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी सेकंड चैनल और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो साड़ी है वो सिल्की है, रेड कलर की ली है। आप लोगों को पता है कि मुझे रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद है, सो मैंने रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन चूज किया है जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है वैसे। और आप न्यूली मतलब कि न्यूली मैरिड हो तो भी चलता है, या आपके घर में भी फंक्शन है तो भी, मतलब सिस्टर की शादी है और कुछ भी है, आप अगर मम्मी हो, मतलब हर एज के लोग ये वाला जो कलर है ना वो पहन सकते हैं। सो मैंने सबसे पहले चूज किया है ये वाला, और सारी की सारी जो साड़ीज है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अफोर्डेबल है। और अभी सिल्क की साड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी, सर्दियां है तो ठंडी भी कम लगेगी। सबसे पहले हम पल्लू से स्टार्ट करते हैं। इस तरह का पल्लू मिलता है ग्रीन कलर का, यहाँ पे आपको इस तरह के टैसल्स वगैरह मिल जाते हैं जिससे इसका लुक बहुत ब्यूटीफुल आता है, और पूरा हैवी सा पल्लू आपको इस तरह का मिल जाता है इसमें। देन साड़ी स्टार्ट होती है। साड़ी में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फिर बीच में रेड मिलेगा, और उसमें भी आपको गोल्डन ये जो है सिल्क का जो थ्रेड वर्क होता है वो किया है जिससे इसका लुक अच्छा आता है। ये ग्रीन एंड रेड के कॉम्बिनेशन में है जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है। ये देखिए तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ऑल ओवर आपको इस तरह का मिल जाएगा, इसके साथ गोल्डन ज्वेलरी वगैरह पैर अप करोगे तो भी अच्छा लगेगा। जैसे मैंने ट्राई ऑन में किया है वैसे आप भी कर सकते हो, सो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लाइक की बन एंड गजरा वाला लुक भी आप क्रिएट करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। और ब्लाउज पीस की बात करते तो आपको ग्रीन कलर का ब्लाउज पीस मिलता है, ये बॉर्डर आप स्लीव में लगवा सकते हो, यानी कि कॉन्ट्रास्ट कलर का आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा। तो इस तरह की पूरी साड़ी है, और बैंगल्स एंड ज्वेलरी के साथ इसको आप जो है पैरअप करोगे बहुत अच्छी लगेगी। बाय द वे ये जो है मैंने नए लेंसेस लिए हैं, सो बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से है तो मैं वो भी बताऊंगी। और चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने ली है थोड़ी सी पिंक एंड थोड़ी सी पर्पल टोन पे है, आपकी अगर डस्की स्किन है तो भी आप पे बहुत अच्छी लगेगी। और बाय द वे आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और मेरी सेकंड चैनल पे भी, क्योंकि वहां पे है ना इंस्टा पे हर टाइप की अपडेट मैं डालती रहती हूँ वीडियो की, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट होके वहां पे बात कर सकते हो, तो इंस्टा पे डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। पल्लू की बात करते हैं, इसमें तो आपको इस तरह का गोल्डन टाइप का पल्लू मिलता है जिसमें फ्लोरल प्रिंट वगैरह की गई है, ये देखिए। उसके बाद जो है वो साड़ी स्टार्ट होती है। साड़ी की बात करते तो यहाँ पे आपको एक चौड़ा सा मतलब की बड़ी सी लंबी सी बॉर्डर मिल जाती है, देन बीच में आप देखोगे तो फ्लोरल प्रिंट वगैरह है जिससे इसका लुक अच्छा आता है। और ऑल ओवर साड़ी है ना वो ऐसी है जाली जाली फ्लोरल वाली, सो इसकी वजह से पूरी साड़ी जो है वो हैवी लगेगी। नीचे भी आपको इस तरह की बॉर्डर मिल जाती है इसमें, और बहुत ब्यूटीफुल है, सिल्की है, बट कपड़ा जो है ना इसका वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो आप पहनोगे ना तो वो फुला फुला या मोटा नहीं रहेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी। इवन अभी तो विंटर है, बट इवन आप समर में भी पहनोगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये देखिए ऑल ओवर आपको इस तरह का मिल जाता है, लंबी भी है, प्लेट्स वगैरह भी अच्छे से आ जाती है। ये साड़ी खत्म होती है, देन इसमें ब्लाउज पीस मिलता है, तो ब्लाउज पीस आपको प्लेन मिल जाएगा इस तरह का, और आपको ये बॉर्डर मिलती है गोल्डन कलर की जिसको आप जो है ना स्लीव वगैरह में डलवा सकते हो, तो इसके लिए भी बिग थम्स अप है। उसके बाद मैंने ली है बहुत ही प्लेन साड़ी, मतलब की प्लेन एंड बॉर्डर वाली, जिन लोगों को सिंपल लुक चाहिए या बहुत हैवी पसंद नहीं है तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो गाइज, आप कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज पहन सकते हो, और साथ ही में जो हैवी वाले थ्रेडवर्क वाले ब्लाउज आते हैं ना वो पहनिएगा, बहुत ही आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। क्योंकि आज का वीडियो लुकबुक है तो मैं टिप्स एंड ट्रिक भी शेयर कर रही हूँ साथ ही में, ताकि आपको इजी रहे अगर आप बाय कर रहे हो वेडिंग्स के लिए तो।
पल्लू की बात करते तो इस तरह का पल्लू मिलता है जिसमें आपको इस तरह की बॉर्डर गोल्डन बॉर्डर मिल जाती है तीनों तरफ, और ये भी सिल्की है और इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट वेट है। तो चारों तरफ तीनों तरफ जो साड़ी होती है ना वहां पे गोल्डन बॉर्डर्स मिल जाती है, ये देखिए। अदरवाइज बीच में से आप देखोगे तो पूरी प्लेन मिलती है इस तरह की, और बहुत लाइट वेट है। इसके साथ आप गोल्डन बेज कलर का वर्क वाला भी पहन सकते हो, इवनिंग फंक्शन है अगर तो, यानी कि रात का को वेडिंग्स है या इवनिंग में कुछ है तो आप है ना सीक्वेंस वाला भी पहन सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। डेफिनेटली मेरे कहने पे एक बार ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज इसके साथ तो मिल ही रहा है आपको इस तरह का पूरा। ये ब्लाउज पीस है हैवी, मैंने जैसे बोला ना कि साड़ी प्लेन है तो ब्लाउज हैवी लीजिएगा ताकि लेवल हो जाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रास्ट होगा। एक चीज हैवी होनी चाहिए ऑलवेज और एक चीज जो है वो लाइट होनी चाहिए। तो ब्लाउज में भी आपको इस तरह का ब्रॉकेट का वर्क मिल जाता है जिससे इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा, ये देखिए। तो ये साड़ी के लिए भी बिग थम्स अप, डेफिनेटली इसको भी आप ले सकते हो। ट्राय ऑन में बहुत मेहनत लगी है, लिटरली 4-5 घंटे गए हैं मुझे ट्राय ऑन में, मतलब कि मैंने जो कल जो वीडियो शूट किया अपलोड किया था ना लहंगा वाला वो नहीं दिखा पाई था, तो देखिएगा बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छे लहंगे हैं डिजाइनर, और वो और साड़ी मतलब टोटल 6 के ट्राय ऑन में बहुत टाइम गया, 4 से 5 घंटे लगे हैं आपको पता ही है रेडी होने में। तो डेफिनेटली इसको शेयर भी कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक।